अभी भैया ने पिछली ड्राइव में मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, आप लोगों ने भी कमेंट किया होगा राइडर नूब राइडर नूब, तो उसका बदला लेने की फुल कोशिश रहेगी अपनी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग लाए एक नई ड्रैग बैटल, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इधर खड़ी की है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 और उसी के साथ साथ खड़ी की है कावासाकी की निंजा 300। तो दोनों ही डुअल सिलेंडर बाइक हैं और दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, अगर बात की जाए इनिशियल में और टॉप एंड में लगभग दोनों अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके लुक्स की। तो GT 650 कुछ इस तरह की दिखती है, आप लोग देख सकते हैं, और उसी जगह निंजा 300 कुछ इस तरह की। तो अब बात करते हैं इनके एग्जॉस्ट नोट्स की। तो पहले बात करेंगे कावासाकी निंजा 300 की। तो ये लिया, अब आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। तो अब आपको स्टार्ट करके एक बार सुनाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे स्मूथ परफॉर्मेंस देती है, थोड़ा सा स्मूथ नॉइज है। और उसी जगह GT 650 में एक बार बात करते हैं, तो GT 650 की आवाज़ तो आप लोग देख सकते हैं GT 650 की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेसफुल और बोल्ड लगती है निंजा 300 के कंपैरिजन में। वैसे ये है 650cc और 300, इस वजह से थोड़ा एग्जॉस्ट नोट में डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं बैटल को और देखते हैं रिजल्ट्स बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए। तो बात करें अगर बाइक कैटेगरी की, तो क्लास कॉन्टिनेंटल GT है कैफे रेसर, और उसी जगह निंजा 300 है एक स्पोर्ट्स बाइक। तो देखते हैं कैफे रेसर जीतती है या एक स्पोर्ट्स बाइक। अच्छे से टक्कर देती हुई निंजा 300 होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा टक्कर दे रही है GT 650 को। GT 650 पीछे चल रही है अभी भी। अब GT ने अपना असली रूप दिखाया और ये निकली आगे। अभी तक तो नहीं आ पाई है, थोड़ा सा स्लो डाउन करके देखते हैं। तो अब टाइम हो गया राइडर स्विच करने का। अभी तक तो रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 आगे रही, अब देखते हैं निंजा चला के कि कौन सी बाइक ज़्यादा आगे रहती है। अभी भैया ने पिछली ड्राइव में मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, आप लोगों ने भी कमेंट किया होगा राइडर नूब, तो उसका बदला लेने की फुल कोशिश रहेगी अपनी।
तो आप लोगों ने रिजल्ट्स देख ही लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि निंजा 300 ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा स्टाइलिश तो कह सकते हैं, कॉन्टिनेंटल GT भी कहीं से मार नहीं खाती है इस एक लुक्स के मामले में, लेकिन आप लोग बताइए क्या कावासाकी निंजा 300 आगे निकल जाती कॉन्टिनेंटल GT 650 से या नहीं निकलती। तो आप ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट्स बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या उम्मीद है रिजल्ट्स की। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी और वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाइए जिससे आपको सबसे पहले अपडेट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम ID डिस्प्ले हो रही है, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर।